ask them to first return to work. Once they return to work, then nobody is going to take any adverse action against the doctors. कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से गई लापरवाही का जिक्र किया है। संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनका भी ब्यौरा स्टेटस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने की बात भी रिपोर्ट में दाखिल की है। सीबीआई के साथ ही कोलकाता पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसमें पुलिस द्वारा की गई जांच में लापरवाही के आरोपों से बचाव करते हुए घटना के दिन का ब्यौरा पेश किया गया है। बता दें कि कोलकाता में मौजूद सीबीआई की एक टीम ने एडिशनल डिटेक्टर और डीएसपी के नेतृत्व में इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सीबीआई ने पिछले 6 दिन में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय है तो दूसरा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फोरेंसिक जांच की और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। सीबीआई के सीएफएसएल टीम के 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, यानी उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। ये टेस्ट इसलिए करवाया गया ताकि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी संजय रॉय के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है। सीबीआई ने इस एंगल पर भी जांच की कि क्या वारदात में अकेले संजय रॉय शामिल था या एक से ज्यादा आरोपी। सीबीआई ने अस्पताल यानी क्राइम सीन कई बार विजिट किया और एक्सपर्ट्स के साथ सैंपल इकट्ठे किए, साथ ही स्पॉट की मैपिंग भी की गई। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज जिसमें वारदात से पहले और बाद में आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट देखी गई, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। क्राइम सीन पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले हैं, क्योंकि हत्या के बाद क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके अलावा आसपास रेनोवेशन हुआ, जिस वजह से काफी एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का शक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।